नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिता का पुत्र से क्या प्रेम होता है ये किसी को बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। और वो बेटा जो 9 साल का हो, जिसकी किडनैपिंग हो गई हो, उस पिता की क्या हालत हो सकती है, यही कहानी है आज की। ये सच्ची कहानी यूपी के आगरा की है, जहाँ के इरादनाथ नगर में एक किराने की दुकान है। इस दुकान को गब्बर सिंह चलाते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, गब्बर सिंह, वैसी ही उनकी पर्सनैलिटी है, वैसा ही उनका नेचर है, स्वभाव है। किसी बात को छिपाते नहीं है, कोई गलत करता है तो उसका जवाब ज़रूर देते हैं, किसी विवाद में पड़ते नहीं है बेवजह, लेकिन अगर कोई विवाद हो जाए तो फिर वो उसको सुलझा के ही दम लेते हैं। उनकी ज़िंदगी में 23 जनवरी 2022 का दिन मनहूस बन करके आता है, क्योंकि इस दिन गब्बर सिंह का बेटा 9 साल का कुलदीप घर से बाहर खेलने गया था, लेकिन फिर वो लौटा नहीं। सब जगह उसकी तलाश होती है, कहीं नहीं मिलता। गली मोहल्ले में जो जानने वाले उसके दोस्त थे, वहाँ देखा जाता है उसको, रिश्तेदारी में उसकी ढूंढ मचती है, कहीं नहीं मिलता। हार के अगले दिन 24 जनवरी को पिता गब्बर सिंह इरादत नगर के थाने में कुलदीप की गुमशुदगी की FIR करवाते हैं। पुलिस ने खोजबीन का दावा तो किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, ना तो कोई सुराग मिला, ना तो कोई पुलिस को किडनैपिंग की वजह मिली, ना तो पुलिस ने ये पूछा कि पिता को कोई कॉल आई है फिरौती की। गब्बर सिंह की नज़र में पुलिस का ये एटीट्यूड ज़रा भी उसे अपील नहीं कर रहा था, और उसे लग रहा था कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अब पुलिस ने ये ज़रूर पूछा कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी है या तुम्हारा कोई विवाद है किसी से, कोई ऐसी बात हो तो आप बताइए, कहीं वो लोग जिनसे आपका विवाद है बच्चे को ना ले गए हों। लेकिन उसका ना तो कोई झगड़ा था, ना तो किसी से कोई विवाद था, और वक्त गुजर रहा था, लेकिन पिता की धड़कनें बढ़ रही थी। कुलदीप नहीं मिलता, ना ही कोई फिरौती की कॉल आती है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि कुलदीप को आखिर किसने और क्यों किडनैप किया, क्योंकि अभी तक कोई कॉल नहीं आई थी, दुश्मनी किसी से थी नहीं। अब पुलिस ने भी यही मान लिया कि हो सकता है कुलदीप खुद ही नाराज होकर के कहीं चला गया होगा, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, या फिर लौट के आ जाएगा। 9 साल का बच्चा, पुलिस ने कैसे सोच लिया कि वो अपनी मर्जी से कहीं जा सकता है। खैर, पिता का दिल था, वो माना नहीं। पुलिस शांत हो गई, लेकिन पिता नहीं चुप रहे। उनकी बेचैनी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, रातों की नींद उड़ चुकी थी, और जाहिर सी बात है, एक पिता के लिए उसके बच्चे से बढ़ के और हो भी कह सकता है। और ऊपर से उन दिनों उत्तर प्रदेश के चुनाव भी थे, पुलिस उसमें काफ़ी व्यस्त हो गई थी। लेकिन एक बात थी कि गब्बर सिंह के आस पड़ोस के दोस्त, उसके दोस्त पड़ोसी, सब लोग उसका साथ दे रहे थे। लोगों ने इस बात पे काफ़ी नाराज़गी भी जाहिर की कि पुलिस का जो एटीट्यूड है वो गलत है, वो उसके साथ खोजने के लिए तैयार हो गए, सब ने ये कहा कि वो उसके साथ हैं, लेकिन कुछ मिल तो नहीं रहा था। सब लोग सब जगह पे ढूंढ रहे थे, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। अब गब्बर सिंह ने जब एक हफ्ता निकल गया तो उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने प्लान के अकॉर्डिंग बच्चे को इस तरीके से तलाशना शुरू किया जैसे कि कोई जासूस बन करके किसी केस को सॉल्व करता है। उसने अपने एक दोस्त की मदद से कुछ पोस्टर छपवाए, अपने आसपास के गली मोहल्लों में उनको लगवा दिया, और एक पोस्टर उसने सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर दिया।
और साथ में ये लिख दिया कि जो भी इस बच्चे का पता देगा उसको 5 लाख रुपया इनाम मिलेगा। अब पोस्टर का असर ये हुआ कि सब तरफ लोग बच्चे को खोजने के लिए एक्टिव हो गए, और अचानक से घर में एक खत भी आता है। उस खत को पढ़ने के बाद गब्बर सिंह चौंक गए। उसमें लिखा था कि अगर वो अपने बेटे को जिंदा चाहते हैं तो 35 लाख रुपए तैयार रखें, 5 फरवरी को मिलेंगे, और फला फला जगह पर एक पेड़ है, वहां पे वो पैसे वाला पेड़ बैग टांग दे और आपका बेटा आपको लौटा दिया जाएगा। अब पहले कदम पे गब्बर सिंह को ये लगा कि वो जीत रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया था कि उनका मैसेज किडनैपर्स तक पहुंच गया है। लेकिन अब वो कौन है और क्यों उसने किडनैप किया ये अभी समझना बाकी था। तो अभी क्योंकि ये 35 लाख रुपया बहुत ज्यादा था, तो जो लोग उनके साथ सपोर्ट कर रहे थे, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, सबने मिलकर एक मीटिंग की, और उसमें ये बात भी आई कि 35 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम है, और अगर उनका बेटा सच में उनके पास है तो कम से कम वो कोई फोटो भेजे उसकी, या बात करवाएं, या फिर कुछ तो ऐसा सबूत हो कि कुलदीप उनके पास है जिसने ये लेटर भेजा है 35 लाख वाला। अब 9 तारीख को उसे एक दूसरा लेटर आता है, उसमें जो फिरौती की रकम थी उसको कम कर दिया। अक्सर जो फिरौती की रकम होती है टाइम के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन यहाँ रकम कम कर दी गई। साथ ही सर्दियों में जिस टोपी को कुलदीप ने पहना हुआ था उस दिन, जिस दिन वो निकला था, वो टोपी भी उस पत्र के साथ फेंकी गई। लेकिन ये लेटर किसने लिखा, कब फेंका, कब आता है घर में, क्योंकि तमाम गेट सब जगह पे पहरेदारी थी, उसके बावजूद जो है ये लेटर और टोपी आती है, सब लोग बहुत हैरान होते हैं। और उस इलाके में कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं दिखाई पड़ता जिसे संदिग्ध कहा जा सके, और ये यकीन जरूर हो रहा था गब्बर सिंह को कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके परिवार को जानता है, जिसने ये टोपी भी सबूत के तौर पे दी है। और ये सबको समझ में आ रहा था कि अच्छे से गब्बर सिंह को किडनैपर जानता है, और ये भी हो सकता है कि वो शख्स इस तलाश में भी शामिल हो, लेकिन वो कौन है ये पता लगाना बाकी था, क्योंकि जिन लोगों में बातचीत हो रही थी उनमें से कोई शक के दायरे में नहीं था। अब इसका पता लगाने के लिए जुटे हुए थे, तभी 11 फरवरी को एक और लेटर आता है। ये तीसरा लेटर था, इसमें साफ लिखा था कि अगर फला जगह पर पेड़ के पास अगर पैसा नहीं पहुंचाया गया, अगर पैसे वाला बैग वहां नहीं टांगा गया, तो बेटा जिंदा नहीं रहेगा। अच्छा, 3 लेटर आए, तीनों में सेम जगह, सेम शीशम का पेड़, और सेम डायलॉग की पैसा वहां टांग दिया जाए। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी। इस तरीके से 3 लेटर अब तक गब्बर सिंह को मिल चुके थे, और टोपी भी मिल गई थी, और वो जो जगह है वो भी घर से ज्यादा दूर नहीं थी। लिहाजा एक पेट्रोल पंप के पास शीशम का पेड़ जरूर था। अब गब्बर सिंह ये पता लगा रहे थे कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं, या उनके गली के आसपास जो लोग रह रहे हैं, ऐसा कौन सा शख्स है जो उस इलाके में रहता है, जाता है, या उसका कोई संबंध है। क्योंकि ये जो जगह बताई गई थी, ये जगह थी सरहिंदी। अब इस बात पे फोकस किया गया। गब्बर सिंह ये सोच रहे थे कि उनके आसपास रहने वाला कोई व्यक्ति वहां जाके पहुंचे, पूछे कि यहाँ का रहने वाला हज्जूपुरा यानी कि उसी के गांव में रहता है क्या। और काफी खोजबीन करने के बाद आशु उर्फ कालिया का एक रिश्तेदार मिल जाता है जो सरहिंदी गांव में रहता है। आशु वो शख्स है जो गब्बर सिंह के ठीक घर के पास में रहता था। अब गब्बर सिंह को पता लगते ही आशु और उसके रिश्तेदार के पास पहुंचा जाता है, पता लगाया जाता है कि वो किराए की गाड़ी चलाता है, इसलिए उसने गाड़ी बुकिंग के बहाने मुलाकात की।
जब गाड़ी बुक कराने की बात कही गई तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसके हाव भाव से ये लग रहा था कि वो कुछ परेशान हो गया है ये सब तहकीकात वाली बात सुन करके। अब इसके बाद गब्बर सिंह दूसरी किराए की गाड़ी लेकर के ऑटो स्टैंड की तरफ जाने लगे। ये देख करके आशु का रिश्तेदार शांत हुआ, लेकिन गब्बर सिंह कुछ दूर पे गए और चुपचाप से लौट आए जहाँ आशु का रिश्तेदार खड़ा था। उसी के पास वो भी अपना चेहरा छिपा करके वहीं पे खड़े हो गए, तैनात हो गए। अब उन्होंने देखा कि क्या फोन पे बातचीत हो रही है, तो फोन पे बातचीत ये हो रही थी कि वो लोग अभी मेरे पास आए थे, वो लोग कुछ जानकारी लगा रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे कुछ बताया नहीं, ये आशु कह रहा था। अब ये बात सुन करके गब्बर सिंह समझ गए कि उनके बेटे कुलदीप के अपहरण में आशु का जरूर हाथ है। अब ये पूरी बात गब्बर सिंह ने पुलिस को बताई, क्योंकि एक क्लू मिल चुका था और पुलिस को इसमें शामिल करना जरूरी था, इतनी बुद्धि गब्बर सिंह में थी। इसके बाद पुलिस ने भी आशु पर शक जताते हुए उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ की तो पूरी घटना का खुलासा हो गया। असल में एक रंजिश को लेकर के तीन लोगों ने मिल करके गब्बर सिंह से बदला लेने के लिए उनके बेटे कुलदीप को अगवा कर लिया था। इसके बाद ठीक उसी दिन उस बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इस केस में पुलिस ने मुकेश, आशु और कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया था। असल में मुकेश और आशु का मामूली रंजिश गब्बर सिंह से थी। इन लोगों ने आशु को साथ लेकर के कुलदीप को अगवा किया और फिर उसको मार दिया। पुलिस की जांच में ये पता चला कि मुकेश नाम का जो आरोपी है पहले गब्बर सिंह के मकान में किराएदार था। ये बात भी बहुत पहले किया, करीब 2 साल पहले की उस घटना से। उस समय मुकेश की बहन की शादी तय हुई थी और ये भी कहा जा रहा था कि जहाँ शादी तय हुई थी वहाँ के लोगों को गब्बर सिंह ने कोई ऐसी बात बता दी थी जिससे वो रिश्ता टूट गया था। इस बात से मुकेश नाराज था और कुछ समय बाद मुकेश की बहन ने शादी टूटने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। अब मुकेश के लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई थी क्योंकि उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी और उसे गब्बर सिंह अपना दुश्मन लगने लगा था, लिहाजा वो गब्बर सिंह को बहुत बड़ा सबक सिखाना चाहता था, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था। मकान छोड़ करके वो दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन इस बात की कभी भनक नहीं लगने दी कि उसके दिल में गब्बर सिंह के लिए कितनी नफरत है। वहीं दूसरा आरोपी कन्हैया भी गब्बर सिंह को अपना दुश्मन मानता था। कुछ साल पहले ही गांव में चोरी करते हुए वो पकड़ा गया था और पकड़े जाने पे गब्बर सिंह ने ही लोगों से कन्हैया की जूतों से पिटाई करवाई थी। तब से वो गब्बर सिंह के प्रति रंजिश मानता था, पर अकेला वो कुछ कर नहीं पाता था और बातों ही बातों में उसकी बात मुकेश से हुई तो दोनों ने मिल करके गब्बर सिंह से बदला लेने की ठान ली। इन लोगों ने आशु को भी अपने साथ मिला लिया जिनका गब्बर से कोई लेना देना नहीं था। अब तीनों आरोपी उसके पड़ोसी थे, कुलदीप के गायब होने की तीनों खोजबीन भी करते थे और उस मीटिंग में भी भाग लेते थे जहाँ पर ये तय होता था कि किस तरीके से क्या प्लानिंग करनी है। मुकेश और आशु तो खास तौर पे अक्सर साथ ही रहते थे, इसलिए उन्हें हर बात की जानकारी मिल जाती थी, क्योंकि जब पहला लेटर आता है जिसमें 35 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, फिर उसमें ये जब गब्बर सिंह ने कहा कि रकम बहुत बड़ी है तो उन्हें तो पता ही था, तो उन्होंने अगले लेटर में उन्होंने उसको रकम को 10 लाख रुपए कम करवा दिया। खैर ये भी बात देखने की है कि लेटर घर में कैसे पहुंचा, तो पता चला कि गब्बर सिंह के घर के पास ही कन्हैया का मकान है। कन्हैया का घर और गब्बर सिंह की दुकान दोनों आपस में सटे हुए थे, जबकि आशु का घर कन्हैया के घर के सामने ही था। मुकेश इसी कन्हैया के घर में रहता था, इसलिए दोनों आपस में बातचीत भी कर लेते थे और साथ ही कन्हैया के घर की दीवार की रोशनदान गब्बर सिंह के घर के खुले एरिया से जुड़ी हुई थी, इसलिए रात के वक्त चुपके से कन्हैया के घर के रोशनदान से लेटर फेंका जाता था। इसीलिए किसी को ये पता नहीं चला, क्योंकि घर की तो पूरी चौकीदारी रहती थी और लेकिन लेटर आंगन में पड़ा मिलता था। इस तरह संदिग्ध भी नहीं लगता था और तीनों आरोपियों ने मिल के ये बताया कि गांव में गब्बर सिंह ने पहला लेटर मिलने के बाद ही ये कह दिया था कि ऐसा कैसे हम मान लें कि फिरौती किडनैपर ही मांग रहे हैं। इसलिए
हत्या के बाद जहां पर कुलदीप का शव गाड़ा गया था वहां की मिट्टी खोद करके उसकी वो टोपी निकाल के लाए थे। और तीनों आरोपियों ने यह बताया कि 23 जनवरी को ही कुलदीप को अगवा कर लिया था और उसके बाद दूर जंगल में जाकर के गला घोट के उसकी हत्या कर दी थी। अब इसके बाद गड्ढा खोद करके उसी में से शव को दफना दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही से डेड बॉडी को बरामद कर लिया था। भले ही आखिर में पूरे मामले का श्रेय जो है पुलिस ने ले लिया, लेकिन उस पिता का बेटा हमेशा के लिए मौत के आगोश में चला गया था। तो दोस्तों, पिता का प्यार यहाँ इस कहानी का दुखांत होता है, क्योंकि इसमें बेटा उसी दिन मार दिया गया था जिस दिन उसका किडनैप हुआ था। फिर भी पिता ने अपने बेटे के लिए पूरी इन्वेस्टिगेशन की। खुद एक जासूस के रूप में वो मैदान में उतर जाते हैं और अपने बेटे को ढूंढने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। और इस तरीके से कुलदीप तो चला गया, लेकिन उसने अपने पिता को एक ऐसा काम सौंपा जो उन्होंने कर लिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुलदीप मिलता नहीं है, उसकी डेड बॉडी मिलती है। और उसने ये भी साबित कर दिया कि कुलदीप के लिए उसके पिता कुछ भी कर सकते हैं। ये कहानी इसलिए दिल को बहुत कचोट रही है क्योंकि एक पिता ने अपना दिन रात एक कर दिया। करीब कई दिन के बाद उनको, जब उनकी मेहनत से वो जो आरोपी होते हैं उन तक पहुंचते हैं, तब तक हम देर नहीं कह सकते, क्योंकि इस बच्चे का द वेरी सेम डे जिस दिन उसकी किडनैपिंग होती है उसी दिन उसको मार दिया गया था। दोस्तों, ये कंटेंट आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट अगर कहीं आपके दिल को छुआ हो तो आप इस पे अपना लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।